अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। विदेश मंत्री एफ जयशंकर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर विदेश मंत्री पर पलटवार किया है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस शख्स ने राष्ट्रीय राजनीति को देश के बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने आपको मंत्री पद दिया। आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने भी विदेश मंत्री एफ जयशंकर पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास पर प्रकाश डाला है। गौरतलब है विदेश मंत्री एफ जयशंकर ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता को विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अपने आंतरिक मामलों को दुनिया के सामने उठाना देश हित में नहीं है। तो आपका जो सवाल था वो राहुल गांधी वाला, देखिए उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा हमें पता है हा? पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी हमारी कुछ होगी, हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। गौरतलब है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद से ही बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अमेरिका में देश का अपमान किया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।